नमस्कार पब्लिक पूरे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज देश भर की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नोटों और सिक्कों पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा चुका है, जिसको लेके IBA ने ग्राहकों से बड़ी अपील की है कि अगर आप नोटों को हाथ में रखते हैं या किसी से नोट लेते हैं तो ये सावधानियां बरतें। आपको बताने वाला हूं कैसे सावधानियां बरतनी है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच भारतीय बैंक संघ यानी IBA ने लोगों से नोट अथवा सिक्कों का लेन देन करने के बाद हाथ धोने की अपील की है। IBA ने ग्राहकों से कहा कि जहां तक संभव हो लेन देन के लिए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग माध्यमों का उपयोग करें और बैंक शाखाओं में जाने से बचे। IBA ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर बैंकों के ग्राहकों को सीधे सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। IBA ने एक सार्वजनिक अपील में कहा कि प्रत्येक बैंकिंग लेनदेन मुद्राकरण आधारित भुगतान प्रणाली से लेनदेन करने के पहले और बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन से धोएं। भारत के बैंक संघ ने इसके लिए कोरोना से डरोना डिजिटल कोरोना नारे के साथ एक अभियान शुरू किया। बैंक संघ जनता को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। IBA ने आश्वासन देते हुए कहा कि उसके सभी सदस्य बैंक लगातार बाधारहित बैंक सेवाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके साथ ही उसने ग्राहकों से भी अपील की कि जरूरी होने पर ही बैंक शाखाओं में जाएं। संघ ने कहा कि हमारे कर्मचारी भी उसी तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को सक्षम आ रही है इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज करने की सलाह दी है, RTGS NFT करने की सलाह दी है कि आप ऑनलाइन ही भुगतान करें अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बड़ी खबर के बारे में, जरूर दो बार हमारी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।